अब हम देखेंगे कि ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी ब्रेक पॉइंट्स का जिक्र किया था। हम अपनी स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं चीज़ों में, ठीक है, ताकि हम उसको आराम से कंट्रोल कर सकें। यानी कि अगर एक आपके पास बहुत बड़ा कमरा है और आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको पहले स्प्लिट करेंगे हिस्सों में, फिर आप उस एक एक हिस्से को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी तरह ब्रेक पॉइंट्स भी होते हैं, अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो ये बता रहा है कि जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। यानी कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने के लिए वो हमारी ईंटें हैं, ठीक है। जो घर बनाने के लिए ईंटें सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, ऐसे यहाँ पर भी यही है। और ये लेआउट के लिए होती हैं सॉरी, और पार्टिकुलर व्यू पोर्ट और डिवाइस साइज के हिसाब से होती है। यानी कि मोबाइल में कैसे